हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल अभी मोहनपुर पावर हाउस पर हूं, और आपको मैं बता दूं कि यहां पावर हाउस पर हर साल 14 के दिन दो दिवसीय मेला देखने को मिलता है, और आपको हम दिखाते हैं कि अंदर मेले का सीन, और साथ में यहां पर दो दिन कुश्ती देखने को मिलती है, तो जिसमें हम आपको कुश्ती भी दिखाएँगे। तो सबसे पहले हम आपको तो देखिए, यहाँ पर जो पावर हाउस है, यहाँ पर दो नदी नीचे को निकलती है, एक इस साइड को निकलती है और दूसरी वो सामने की साइड वहाँ को निकलती है नीचे को। तो अभी ये सीन आपको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरी नदी है वो इस पावर हाउस के पीछे देखने को मिलती है, और आगे चलते आपको दिखाएंगे और भी सीन। तो चलिए, बने रहे हमारी वीडियो साथ, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको पूरा इन्जॉय इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बस बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैं अंदर की ओर आ चुका हूं, और आपको ये सामने गेट दिखाई दे रहा है, इधर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इधर से भी दूसरा रास्ता जाता है, लेकिन जो ये रास्ता है ये सिर्फ यहां पर, इसको आप वाहन लेकर जा सकते हैं, दो पहिया चार पहिया, लेकिन इस तरह अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ पैदल जा सकते हैं, क्योंकि इस तरफ वाहन जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे वहाँ पर बैरिकेडिंग देखने को मिलती है, जिससे फिर वापस आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ इस रास्ते से आप पैदल जा सकते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये भी रास्ता सीधा मंदिर की ओर जाता है, और ये दूसरा जो रास्ता है ये सिर्फ वहाँ पर वाहन और अपने जो भी आपके पास जो वाहन होगा उसके जरिए आप सीधे इस रास्ते तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको हम दिखाते हैं पता का रास्ता जो आगे मंदिर तरफ सीधा डायरेक्ट जाता है। तो चलिए, बने रहे हमारी वीडियो के साथ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस रास्ते से आप सिर्फ पैदल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे बैरिकेडिंग देखने को मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई वाहन आगे को नहीं जा सकता, सिर्फ यहाँ पैदल निकल सकते हैं। और जो जो अभी हमने आपको जो दूसरा रास्ता दिखाया, वहाँ पर आप अपने दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये पीछे की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ आप पैदल निकल सकते हैं। तो चलिए, हम मंदिर के बहुत ही करीब आ चुके हैं, और सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फिलहाल हम मंदिर के पास आ चुके हैं, और आपको मिलते हैं आगे। तो वीडियो बने रहे, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। We'll be right back.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. ओमवीर ओमवीर जी, जो यहाँ पर जो मंदिर में जो भजन आते हैं, तो इस पर आपको यहाँ पर भजनों की भीड़ देख रहे हो, देख रहे हो ज्यादा नीचे देख रहे हो? ज्यादा उठती जा रही भीड़ तो प्रति वर्ष। तो किस आस्था को लेकर यहाँ पर भजन आते हैं? ये तो हिंदू की अपनी आस्था, हम आई के प्रति। तो जो यहाँ पर जो मेरा लगता है वो किस दिवस पर लगता है? ये चौदस का दिन है, नवरात्रों के बाद चौदस के दिन मेला लगता है। तो यहाँ पर कोई जो खास वजह है जो यहाँ पर मेला लगने की? खास वजह हमारी माते का ये सिद्ध पीठ स्थान है, बहुत पुराना। तो यहाँ पर कितने गांव के व्यक्ति जो ऊपर मेला देखने के लिए आते हैं, कितने गांव से आते हैं? यहाँ तक कम से कम भाई 20 गांव के आदमी आओ, दूर दूर तक के। मैं खुद बैठा ली बरेड़ी का, देख कितनी दूर हो। और जो गाँव है उनके नाम बताना चाहोगे? हाँ, ये तो पहला गाँव तो हमारा यही है, मोहनपुर, ब्रह्मपुर, बोड़पुर। तो यहाँ पर और क्या क्या वस्तु देखने को मिलती है? अरे यहाँ तो जो मेले में होती है वो सब वस्तु है। हाँ, दंगल पड़ा, बहुत महान दंगल है पुराना। जो यहाँ पर जो कुश्ती के पहलवान आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? इस इलाके के पहलवान आवो, दूर दूर के पहलवान आवो, हरियाणा तक के पहलवान आते हैं, दिल्ली के, हर साल एक बार जो जो मेला आता है तो हर साल एक बार आते हैं, दो बार आता है? एक बार, चौदस का एक बार आता है, दशहरे का बढ़ता है, दशहरे का भी आता है। तो जो यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो अपनी और आस्था रखे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें पूरी सुविधा दी जाती है जो भक्तजन आते हैं। यहाँ पर भंडारे में क्या क्या देखने को मिलता है? भंडारे में सब चीज, सब खाने के वस्तुएं, सब आइटम, जैसे कि कुछ खाने में हलवा पूरी, माई का भोजन तो हलवा पूरी है, सही वो ही ज्यादा चलता। तो यहाँ आप कमेटी किस सदस्य के रूप में हैं? तो यहाँ पर आप जो कमेटी सदस्य किस रूप में हैं? अरे हम तो कार्यकर्ता, व्यवस्था देखने वाले हैं यहाँ की। यहाँ पर कार्यकर्ता है? हाँ, सब कमेटी के सदस्य हैं। तो जो गांव के जो और भी इस वीडियो को जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ पर और भी अपनी आस्था रखते हैं? हाँ, आस्था हमारा प्रधान जो नया बनाया वो सबसे ज्यादा आस्था रखो। उसने आपको जितनी दुकानें सब फ्री कर दी, कोई टैक्स नहीं लगा रखा ना, ये सब फ्री, पूरा मेला फ्री है। हाँ, ना ही कोई टैक्स नहीं, 400-400 रुपए टैक्स लगा मत नहीं, कोई टैक्स नहीं है। हमारा प्रधान बहुत बढ़िया बना यहाँ का, मोहनपुर का। कितने 10 की 3 10 की 3 बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में,
अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छुप छुपाए ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए, हम न आए 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 हम न आए, ऐसी जी छुप छुपाए ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जीत ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए।
दोस्तों आपको बता दें, मैंने शुरू में आपको दो रास्ते बताए थे, जिसमें एक रास्ता टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए और जो दूसरा रास्ता है वो सिर्फ पैदल के लिए है। तो जिसमें आपको सामने दिखाई दे रहा है और आपको जो दूसरा रास्ता दिखाने वाला है, यहाँ पर मैं फिलहाल जिसे मैंने एंट्री की थी वो आपको सामने को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जहाँ सामने की जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ही पैदल रास्ता आने के लिए है, तो उस पर आप सिर्फ पैदल आ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर आप लेकर आ सकते हैं। और सामने जो नहर की पहली साइड में यहाँ पर जो वाहन खड़े हैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर, आपको जो यहाँ पर कार दिखाई देखने को मिल रही है, इसकी पहली साइड में यहाँ पर दंगल देखने को मिलता है, जिसकी वीडियो में शूट नहीं करेगा। तो कल को आपको दंगल की वीडियो जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दो कि हमें अपने यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और जितना हो सके हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी। अगर हमसे कुछ छूट गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, कल को आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने जरूर मिलेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज का जो दंगल था 5:30 बजे छूट चुका था, तो जिस हमारा हम उसके वीडियो को नहीं शूट कर सके, और आपको अगली वीडियो में आपको दंगल देखने जरूर मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो जितना हो सके आस पास के गाँव जरूर शेयर करें, ताकि आने वाला भगजन श्रद्धालु इस मेले का पूरा एंजॉय ले सके। और साथ ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप जरूर फॉलो करें, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और जितना हो सके इस चैनल को, वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी का बैंगन जरूर दबाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।